इन दिनों बहुत से लोग डरे हुए हैं क्योंकि हालिया के कुछ हेल्थ रिपोर्ट चौंकाने वाले हैं। साथ ही रिसेंटली हमें ऐसे बहुत से न्यूज स्टोरी देखने को मिले हैं जहां यंग लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं। एक लड़की स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान नाचते नाचते गिर पड़ी और चल बसी। पिछले साल पॉपुलर टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ कार्डियक अरेस्ट से हो गई थी। वहीं मशहूर कॉमेडियन राजेश श्रीवास्तव की डेथ जिम करते टाइम हार्ट अटैक से हो गई थी। वहीं साउथ इंडियन सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की भी डेथ सीरियस कार्डियक अरेस्ट से हो गई थी। वहीं के यहां तक कि कॉमन लोगों में भी यह हार्ट अटैक के प्रॉब्लम इन दिनों देखने को ज़्यादा मिले हैं। एक 2013 की स्टडी जो कि काफ़ी पुरानी है उसके अकॉर्डिंग पर डे 900 इंडियन जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनकी डेथ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से होती है। और यह काफ़ी लोगों को चौंकाने वाला होगा क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि यह बीमारी जो होता है केवल बुजुर्गों को होता है, लेकिन डॉक्टर का मानना है कि यह लक्षण युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जिम जाने की वजह से हो रहा है। एक ट्रेंड डेवलप हो गया है जिम जाने का और एक्सेसिव जिमिंग बॉडी बिल्डिंग उसको हम लोग हार्मफुल मानते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह आज के खान पान की वजह से हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि यह COVID-19 के वैक्सीन के कारण। हाल के दिनों में ऐसे कई केस आए हैं जब मरीज कोरोना से तो उबरता नजर आया लेकिन अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। लेकिन जो रियल कारण है वह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं इसको जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है। हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है जिससे बहुत सी नसें जुड़ी होती हैं, जिससे होके ब्लड एक जगह से दूसरे जगह पूरे शरीर में आता जाता रहता है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए इसको हम अपने घर के वाटर सप्लाई सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर का वाटर टंकी बहुत से पाइप से जुड़ा रहता है जिसमें एक तरफ से पानी आता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से पाइप से पानी होके हमारे वाटर टैप से आता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब हम अपना वाटर टैप्स ऑन करते हैं तो पानी नहीं आता है, फिर हमको पता चलता है कि पाइप में फ्लोराइड जम गया है जिसको सफाई कराने के बाद वाटर टैप से पानी आने लगता है। और ठीक वैसे ही हमारी लापरवाही की वजह से हमारे ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है वैसे वैसे ही ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से लास्ट टाइम में ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस सी मानचंदा के मुताबिक देश के यूथ का दिल अब कमजोर हो गया है। क्या है कि इंडियंस का हार्ट बाकी के वर्ल्ड से वीक बताया जा रहा है? सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इंडियन लोगों में दूसरे देशों की तुलना में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं दूसरे देशों की तुलना में यहाँ पे इंडियन लोगों को हार्ट अटैक आज से 10 साल पहले होते हैं। वहीं NCERB की रिपोर्ट्स के अनुसार लास्ट 10 ईयर में 2.25 लाख इंडियन की डेथ हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम से हुई है, जो कि पिछले दशक की संख्या में 75% ज़्यादा है। वहीं 2016 से 2020 की बात करें तो हर साल यह आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं IIT मद्रास की एक स्टडी ने पाया है कि 35 से 40% लोगों में ऐसे जेनेटिक वेरिएशन है जिनकी वजह से उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होती हैं। लेकिन यह स्टडी बिल्कुल यह दावा नहीं करती कि हर साल यह आंकड़ा बढ़ते क्यों जा रहा है। हार्ट अटैक के जो मेन रीज़न हैं वह यह हैं, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस हाई स्ट्रेसिंग फील्ड, IT सेक्टर्स, बिजनेस और इंटरटेनमेंट में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों में कंपटीशन ज़्यादा है जिसके वजह से वर्कलोड ज़्यादा होता है, और यहाँ पे इनसिक्योरिटी भी काफ़ी कम है जिसके वजह से लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा होती है। वहीं स्ट्रेस का जो दूसरा कारण है वह है COVID-19। एक स्टडी में बताया गया है कि COVID-19 के बाद लोगों में स्ट्रेस बढ़ा है। वहीं आपकी नींद भी आपके हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एक अच्छी नींद केवल क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं बल्कि एक क्वालिटी ऑफ टाइम भी होता है। एक खराब नींद की वजह से आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है जो कि हार्ट अटैक के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वहीं कई डॉक्टर का मानना है कि जॉब खो जाने का डर और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर पिछले के दशकों से आज के यंग इंडियन लोगों में ज़्यादा है। वहीं बहुत से इंडियन को लगता है कि वह स्ट्रेस में हैं लेकिन आसपास फैमिली और फ्रेंड का ऐसा सराउंडिंग ना होने की वजह से वह अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं जिससे कि उनका स्ट्रेस
रिस्क और बढ़ता है। साथ ही यह चीज़ें कोविड-19 के बाद हमको देखने को और ज़्यादा मिली हैं और यह सब चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। इस वजह से यह सब प्रॉब्लम भी इस हार्ट अटैक के प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरा जो रीज़न है वह है खान पान। आज के इंडियन हेल्थ से ज़्यादा अपने टेस्ट के लिए खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ वेस्टर्न कंट्री में ग्रीन वेजिटेबल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, वहीं इंडियन लोगों के पास ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल होने के बाद भी उसको खाने से बचते हैं। वहीं उसकी जगह पे पिज़्ज़ा, बर्गर्स और नूडल्स जैसे कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके वजह से उनके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार आज के इंडियन जो एक दिन में जितना शुगर खाते हैं, वही 100 साल पहले के इंडियन उतने शुगर को एक महीने में खाते हैं। और एक ख़राब डाइट की वजह से हमारे अंदर जो होता है सीरियस डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज। इंडिया में ऐसे दो तरह के लोग हैं जिनको एक्सरसाइज की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला वो लोग जो कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दूसरा वो लोग जो कि अपने स्टेमिना से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। आज ज़्यादातर इंडियन पैसा कमाने के लिए ऑफिस में 10 से 12 घंटे का काम कर लेता है, लेकिन अपने हेल्थ के लिए वह 20 से 25 मिनट भी टाइम डेली नहीं दे पाता है। वहीं एक रिपोर्ट्स के अनुसार 33% इंडियन ऐसे हैं जो कि यह कहते हैं कि वह अपने काम की वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता कि वह एक्सरसाइज कर सके। कितना अजीब है ना, जो आदमी अपने फ्यूचर को एंजॉय करने के लिए डेली 10 से 12 घंटे काम कर देता है, वहीं उसी फ्यूचर को एंजॉय करने के लिए वह अपने हेल्थ के लिए 15 से 20 मिनट भी नहीं दे पाता है। वहीं आज के यूथ रियल लाइफ से ज़्यादा रील्स लाइफ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जहाँ हीरो की सिक्स पैक बॉडी देखी नहीं अगले दिन जिम पहुंच जाते हैं अपना सिक्स पैक बनाने। वहीं चिराग शेट्टी जो कि दिल्ली जिम एसोसिएशन के हेड हैं, उनका मानना है कि हमें जिम ज्वाइन करने से पहले अपने फिजिशियन से कंसर्न कर लेना चाहिए कि हमारी हेल्थ स्टेटस क्या है, उस अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रेनर से एक्सरसाइज लेना चाहिए। चौथा जो हार्ट अटैक का मेन रीजन है वह है अल्कोहल, स्मोक एंड ड्रग्स। एक रिपोर्ट के अनुसार 4 में से 1 लोगों का हार्ट रिलेटेड डेथ उन लोगों का होता है जो कि स्मोक करते हैं। सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। शरीर में हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड जाने के बाद वो हमारे ब्लड से मिक्स हो जाता है, जिसके बाद जो होता है वो RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और इस तरीके से हार्ट अटैक हो जाते हैं। डॉक्टर TS कहते हैं अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर वह स्मोकिंग करना छोड़ दे तो उसका बीमारी बढ़ना बंद हो जाएगा। वहीं अल्कोहल का बैड इफेक्ट हमारे शरीर पे देखने को मिलता है। अल्कोहल जहाँ ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को शॉर्ट और लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ा देता है। एक स्टडी में बताया गया है कि वह लोग जो तंबाकू फूंकते हैं उनकी संख्या 33% बढ़ी है लास्ट के 70 सालों में। वहीं एक दूसरी स्टडी बताती है कि अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोगों की संख्या 55% बढ़ी है लास्ट के 30 सालों में। और यह सब चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, क्योंकि वह लोग कहते हैं अल्कोहल और तंबाकू से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन ठीक यह उसी प्रकार है जिस प्रकार नूडल जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे काफ़ी बुरा होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कोविड-19 की वजह से हार्ट रिलेटेड केसेस बढ़े हैं, और सरप्राइजली ये बातें सही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 में वह लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिली। कई डॉक्टर ने इसको सही बताया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे वेन और आर्टरी डैमेज हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह सब तो प्रॉब्लम थी, लेकिन सवाल यह है कि अब हम कर क्या सकते हैं। बहुत से डॉक्टर का मानना है कि यह एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। अब जीन की वजह से इसको जो होता है हम जीरो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए। चेस्ट पेन, घबराहट होना, ज़्यादा पसीना आना, जहाँ पेन में दर्द होना, यह सभी इसके साइन हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल रहा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। आप इसकी संभावनाओं को कम करने के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एक अच्छे खान पान को अपना कर, अपने स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करके, अपने नॉर्मल डेली एक्सरसाइज को करके, साथ ही अपने स्ट्रेसिंग लेवल को कम करके, जिसके लिए आप मेडिटेशन या तो कोई स्पोर्ट सीख सकते हैं, साथ ही स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे खराब आदतों को छोड़ के।
हार्ट अटैक डिजीज को कम करने के लिए सरकार भी बहुत चीज़ें कर सकती है, और उसमें सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। सरकार को लोगों को अवेयर करना चाहिए कि उनके खराब लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और लोगों को अवेयर करना बस सरकार की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है या आपकी भी है। तो अगर वीडियो आपको यह वैल्यूएबल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें ऐसे अच्छे कंटेंट्स बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।